इसमें जो सॉर्टिंग है, इसमें जो सॉर्टिंग है ना बीपीएच में है, ना बीबैट पर है, ना कोई कैपेसिटर सॉर्ट है, कुछ भी सॉर्ट नहीं है इसके अंदर, तो भी ये लीकेज है। किसका सेट था भाई? किसका सेट था? आपको मजा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, जिंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है? थैंक यू वेरी मच। देखिए ये बीबैक का टेस्ट पॉइंट है, तो ये ऑटो रीडिंग ले रहा है। अगर हम देखें ले रहा है, यस सर, 200 मिली एम्पियर की, कितनी मिली एम्पियर की? 200 मिली एम्पियर की ऑटो रीड ले रहा है। अब ये हमें देखना है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि हमें कहां से निकालनी है, क्योंकि ये ना इसमें जो सॉर्टिंग है, इसमें जो सॉर्टिंग है ना बीपीएच में है, ना बीबैट पर है, ना कोई कैपेसिटर सॉर्ट है, कुछ भी सॉर्ट नहीं है इसके अंदर, तो भी ये लीकेज है। अब हमें ये समझना है कि ये लीकेज किस आईसी से है। पहले मैं आपको चेक करवाता हूं सारी चीजें। देखो सब लोग, सबसे पहले इसका बीबैट चेक करेंगे, डायोड मोड पे डालेंगे, डायोड मोड पे डालो। आप रीडिंग देखो बराबर आ रही है, बीबैक की रीडिंग 300 से 700 आनी चाहिए, बोलो 300 से 700 आनी चाहिए, स्टेबल स्टेबल आ रही है, यस सर। और रिवर्स में आनी चाहिए 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर आ रही है, यस सर। इसका मतलब बीपीएच लाइन भी शॉर्ट नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी कहीं कोई सीन नहीं है। अब हम बजट मोड पे डालेंगे और अब हम सारे कैपेसिटर चेक करेंगे, एटलीस्ट ईमानदारी से तीन जगह के कैपेसिटर चेक होना बहुत जरूरी है। पावर बूट सुटकेस के पूरी जगह पावर आईसी, सीपीयू, एमएमसी और चार्जिंग आईसी। चलो देखो, तो ये पहले पावर आईसी है, तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं। देखें पहले जहां पे भी बीप देखेंगे फिर देखेंगे शॉर्ट है कि नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे बीप, दोनों जगह बीप चाहिए। बहुत ईमानदारी से चेक करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक भी छोड़ोगे तो वही आपकी गलती होगी। ये बक है, बक को भी चेक कर लेना है, दोनों ओर बीप, और बीप आएगा भी तो शॉर्ट नहीं मानेंगे तब तक हम उसकी पूरे जीआर नहीं चेक करेंगे। अब ये डिस्प्ले करेक्टर के पास देखना है, डिस्प्ले करेक्टर के पास इसलिए देखना होता है क्योंकि इसके पास वीआईओ लाइन होती है और ये 1.8 एलडीओ की सप्लाई होती है, ये भी शॉर्ट हो सकती है, जनरली ये सबसे ज्यादा शॉर्ट होती है। ठीक है, ये भी बीप नहीं है, ये भी नहीं है। अब हम इसके पीछे देखेंगे तो अगर इसमें काम की बात करें तो कहीं पे काम नहीं हुआ है, पूरा बोर्ड फ्रेश है, ना सीपीयू पे काम हुआ है, ना इस पे, इसका पतरा भी ऊपर से मैंने ही निकाला है और यहाँ पर भी काम नहीं हुआ है, खाली पतरा बस निकला है और नेटवर्क सेक्शन बिल्कुल अनटच है, बोर्ड क्लीन है, काम नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर जितना हो सकता है उतना चेक करेंगे। ये हमारा बीपीएच का कॉइल है, ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे, बहुत अच्छे से ढूंढेंगे। तो फिलहाल हमें कहीं शॉर्टिंग तो मिली नहीं, मतलब हम ये बोल सकते हैं क्योंकि सारे हमने एटलीस्ट कैपेसिटर ये चेक किए। अब सीपीयू के कुछ लाइन और यूएमसी की कुछ लाइन बची है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। बट अब इस टाइम पे क्या होता है कि जब आपके कोई कैपेसिटर शॉर्ट ना हो तो मामला आईसी के अंदर है। अब हमें आईसी के अंदर हम क्योंकि यहाँ शॉर्ट किलर डाले भी तो कहाँ डाले, हेलो बैट पर डालेंगे भी तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा क्योंकि शॉर्ट किलर डालने से, हालांकि रीडिंग तो हो रही है फ्लक्चुएट, पर अगर शॉर्ट किलर डाले
और गलती से कोई आईसी जो शॉर्ट नहीं है और वो भी हीट कर रही है या फिर खराब हो जाए तो फिर क्या मतलब है। तो हम सबसे बेस्ट थर्मल कैमरा यूज करेंगे और ये शॉर्ट कैम टू ध्यान देना है, दुकान में बैठना है, ये सारा पैसा लगा कर बैठना पड़ेगा। तो आ भाई अनिल, एमडी सर अनिल लगाओ उसको। अब इस शॉर्ट कैम को यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे और शॉर्ट कैम के नीचे हम अपना बोर्ड को रखेंगे और इसको प्लस माइनस देंगे। लगाओ इसमें केबल का इसकी टाइप नहीं, केबल नहीं लेकर आया था ना अभी मैंने, केबल बता दिया ये। तो ये टाइप सी से चलता है खाली, इसमें टाइप सी केबल लगा होगा नहीं। जैसे ही ऑन होगा यहाँ पर रेड कलर की लाइन आ जाएगी, ये बटन दबाने पर ये ब्लू कलर की लाइन में बदल जाएगा। तो ये पावर का बटन है, इसको खोल के रखना है और अभी हम इसको दबाएंगे। इसका एक एप्लीकेशन होता है जो हम आपको बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। शॉर्ट कैम सो ये वीवो वाले यूज करते हैं, चाइना के शेंजेन में इनका इंस्टीट्यूट है रीवा टेक्नोलॉजी। तो ये देखो अभी ऑन हो चुका है, ये येलो कलर ब्लू कलर की लाइट में कन्वर्ट हुआ है, तो मतलब ये एलिजिबल हो चुका है यहाँ पर। तो ये सबसे बेस्ट है, ये एक ओरिजिनल इमेज देता है ये, मतलब और एचडी लेवल की इमेज है ये। तो जो भी इमेज आपको दिखाई दे रही है ये शॉर्ट किलर से, ये आपके थर्मल कैमरे से दिखाई दे रही है। अब इसमें एक आपको फंक्शन दिखाना चाहूंगा, विजन। अभी हम इसमें विजन पे हैं, वो हटा दिया क्या, अभी हम इसमें विजन पे हैं। ये थर्मल इमेज है, तो ये थर्मल, हम नॉर्मली थर्मल कैमरे में ऐसी इमेजेस मिलती है और इसके अंदर विजन है, मतलब इसके अंदर एक अलग से कैमरा लगा है जो अच्छे मेगा पिक्सल का, बेकार से 5 मेगा पिक्सल का हो गया अच्छा ही होगा, 2 पॉइंट से तो अच्छा ही है। और ये क्विक चेक सबसे बेस्ट है, आपको क्विक चेक पे रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो, जैसे आपको देखो ऊपर जूम में क्लिक किया और आपको ये एरिया देखना है तो आप इस एरिया को जूम कर सकते हो यहाँ पर, और ये क्विक चेक में आ गया इस तरीके से। तो हम और भी जूम कर सकते हैं, ये देखो, तो ये बहुत जूम करके भी आपको दिखाता है। तो जूमिंग का ऑप्शन ना के बराबर कैमरों में, ये जूमिंग का ऑप्शन केवल इस कैमरे में। टेम्परेचर अलार्म है इसके अंदर, टेम्परेचर अलार्म क्या होता है कि अगर मेरा टेम्परेचर मेरे दिए गए के हिसाब से आ गया तो ये बीप मारेगा, बीप बीप बीप। जैसे इसका टेम्परेचर हम कर लेते हैं, हम समझते हैं कि कमरे का टेम्परेचर हमारा 40 हो सकता है, बोर्ड में हीटिंग होगी तो 80 जा सकता है, पर 100 टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, तो 100 लिख दो ज्यादा 100, हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं। अगर ये 100 पर गया तो ये एकदम से अलार्म बजा देगा, तो हम बता देंगे हीटिंग बहुत जबरदस्त है ये करके, तो हम अपना टेम्परेचर भी कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर मेजरमेंट है जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, मतलब इसके अंदर। और ये एचटी ट्रैकिंग है, ये ऑटोमेटिकली आपको, आप देखो जैसे ही मैंने एचटी ट्रैकिंग को दबाया तो दो यहाँ पर आपको ये प्लस दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्लस आपको टेम्परेचर बताएंगे कि देखो गर्म कहीं भी होगा पर जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी वहां उसी जगह पे हम प्लस लगा देंगे। हेलो मतलब वो ट्रैक कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको 50 करें, 50 करो यहाँ पर, तो ये अलार्म बजा देगा देखो, क्योंकि ठीक है। अब नोटिस करो अलार्म क्यों नहीं बज रहा है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर से, हमारा माइक्रोस्कोप से साउंड नहीं जुड़ा है। हेलो अलार्म यहाँ पर ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये अलार्म इंडिकेटर है, ये बता रहा है बीप 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 अलार्म बज रहा है आपका, आपके दिए गए के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल हम इसको 50 नहीं रखते क्योंकि इतना तो कमरे का टेम्परेचर ही होता है, हम इसको 150 रखेंगे। ठीक है, बताने को बहुत कुछ है इसके अंदर, पर सब सॉर्टिंग की क्लास में। चलो अब इसके अंदर हम पीसीबी को रखेंगे और देखेंगे हमारा हीट हो कहाँ रहा है। तो पहले हम पावर सेक्शन की ओर देखेंगे, वही माइनस ब्लड्स को टच करना है। तो देखो पावर की ओर प्लस है। हेलो अब ये ट्रैकिंग में है, ट्रैकिंग से हटाते हैं और थर्मल इमेज और क्विक चेक पे रखते हैं। अब आपको रेड कलर का लाइन भी दिखाई देगा, मतलब कलरफुल भी दिखाई देगा, देखो थोड़ा नोटिस करो।
दिखाई दे रहा है अब? तो ये पावर के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है? हो सकता है पावर हो, हो सकता है पावर का कोई पैरेट हो। हेलो, जरूरी नहीं है कि पावर ही हो। तो ये अब क्या होगा, मैं इसको पूरा हो सकता है नहीं बनाऊंगा, अभी हो सकता है कि पावर से हो जाए तो बना दूं, क्योंकि कल आपका पावर एसी का ना, इसलिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इसका पावर एसी उतारता हूं और इसके पैडों का जीआर लेंगे। हेलो, जीआर पे काम करना सीखना है ना। हेलो, अभी आईसी उठाने वाले तो नहीं बनोगे ना? तो थोड़ा वो प्लेट दो यार, प्लेट। मेरा पंखा बंद करो यार, ऊपर ये फोन की पीसीबी काफी मरी हुई पीसीबी है, तो इस पर ना थोड़ा सा लगना चाहिए। ये इसमें छोटी नोजल ठीक है, ठीक है। माइक्रोस्कोप कैमरा ऑन करो, कैमरा देखा। तो हम इस आईसी को निकालेंगे। आईसी को निकालने से पहले एक बहुत ईमानदारी से बात समझ लो, तुम्हारे को नहीं पता आईसी निकालने के बाद में इसकी फोटो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका कोई मॉडल का फोटो या हार्डवेयर में। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, कल को कोई कॉम्पोनेंट निकल गया, कल को आईसी का नोस कट पॉइंट ही नहीं पता है। हेलो, तो दिमाग से फोटो, कल को आईसी उड़ गई, होता है कि नहीं होता? हमने तो कितने उड़े हैं, हमने तो नैंडे उड़ाई है आईफोन की, है 64 जीबी की नैंडे गई है हमारी। तो सोचो सीपीयू जाते हैं तो और दुख होता है, और वो फिर बाद में मिलता सफाई में, वो एक्चुअली टेबल के अंदर घुस जाता है। हाँ, उस दिन तो कभी नहीं मिलेगा। तो ये नॉन पेज कट आईसी है, तो कोई सीन नहीं है इसका, तुम भी चेंज कर सकते हो, कल करोगे लाइव। बट प्रॉब्लम ये है, सीधे आईसी नहीं लगाना है, आप पहले ट्राई के चेक कर लेंगे, नहीं तो काम और बढ़ जाएगा। अभी कैसा होगा, आईसी लगाई और फिर ऑटो रीडिंग, तो क्या होगा, फिर तुम निकालोगे तो वो टेम्पर होना चालू हो जाएगा। yes, और ये पेस्टेड, इसके पीछे सीपीयू पेस्टेड है। फिर तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, फिर तुम्हारा ये लो टेम्परेचर पे, लो बूटिंग पे चले जाएगा। सीपीयू के बगल में तुम्हें छोटे छोटे बॉल मिलेंगे। हेलो, समझ रहे हो मेरी बात? ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वन टाइम ही काम करना है, टाइम पूरा देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये दिमाग नहीं लगाना है कि यही होगा ये नहीं होगा। तो अभी हम इसको क्लीन करते हैं और इसका एटलीस्ट जीआर चेक करते हैं, आईसी भी हो सकता है। एंटर मारेंगे, सीधे आएगा।
क्योंकि जिस हिसाब से आईसी हीट हो रही थी तो मुझे लग रहा है उसका कोई पैड हीट हो रहा होगा, हो सकता है। बिटमैप खोल लें, मेन बिटमैप, मेन पीसीबी, ये गॉट, ये सॉफ्टवेयर है, इसको चाइना ने बनाया है, पर ओनी वालों ने अपडेट कर दिया, अच्छी बात। अब सबसे पहले जो एक पैड इनको करना है, और सिर्फ जो जो सप्लाई है उस सप्लाई पे GROL एटलीस्ट बीप नहीं चाहिए, बजट नहीं आना चाहिए बस। तो येलो कलर के पैड होंगे, बजट नहीं आना चाहिए, जूम करेंगे। अब पहले क्या होता था, दो चार महीने पहले सिर्फ येलो कलर के पैड होते थे, पर अब अपडेट है तो आप यहाँ पे 100 पैड इनको में करेंगे तो अब यहाँ पर इसकी सप्लाइयों के नाम भी मिल रहा है, तो एटलीस्ट हमें ये भी पता चलेगा कि ओएल आएगा कि जीआर आएगा यहाँ पर, तो हमें ये भी मिल रहा है, तो ये भी हमें पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी इसको चेक कर लेते हैं। तो ऊपर केवल 3 ही ग्राउंड है, हेलो, सबसे ऊपर की लाइन में कितने ग्राउंड है, 3, पहला और आखिरी और उसके बाद, उसके अलावा ग्राउंड नहीं होने चाहिए। हमें जीआर से मतलब नहीं है, समझ रहे मेरी बात, हम कोई ट्रैक के दूर नहीं रहे, हम खाली क्या दूर रहे, शॉटिंग जो गर्म हो रहा है। तो हम कैमरे को लेंगे और इसको छोटा करेंगे, तो अब हमें दोनों मिल रही है। ऐसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपके लैपटॉप से कनेक्ट करके, आपको अलग से कोई कैमरा लेने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप के अंदर ये वाला आपका प्रिंटर केबल लगा दो, लाइन वायर लगा दो बस खाली, और ये आपका हो जाएगा। कैमरे के और लैपटॉप के कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, लैपटॉप के अंदर एक पहले से इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है कैमरा, कैमरा टेक करो, कैमरा आ जाएगा, आपने सिर्फ केबल लगा के इससे कनेक्ट करना है, डिस्प्ले बन जाएगा। सो यहाँ से दो पैरेलल डिस्प्ले करके आप इसको चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी चेक करते हैं, बजट मोड पे हम करेंगे, बजट यहाँ पर बहुत सारा शोल्डर है, इसको क्लीन करेंगे। ये पहला तो ग्राउंड ही है, हेलो, अब हमें कोई ग्राउंड नहीं आना चाहिए, आखिरी वाला चौथा वाला का है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे आपको ये ग्राउंड है। अब दूसरी लाइन, सो दूसरी लाइन अगर हम बोले तो दूसरी लाइन पे केवल दूसरा ग्राउंड है और आखिरी पे 3 ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, अब कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये ग्राउंड होना चाहिए और ये बड़ा। अब हमारा तीसरी लाइन, तीसरी लाइन में दूसरा ग्राउंड है और दो ग्राउंड है, आखिरी के दो छोड़, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब हमारी चौथी लाइन, चौथी लाइन हमें बोल रही है एक ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड है, दूसरे नंबर, पांचवी लाइन बोलो, पांचवी लाइन में दो ग्राउंड है, एक एनसी है, ग्राउंड ही डाल, ग्राउंड ही डाल में रखना है, सिर्फ दो ही बीप आनी चाहिए, बराबर, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। अब हम छठी, हमारा जो शॉटिंग था वो इसी एरिया में था, हेलो, यस सर, वो उसको क्लिक करना पड़ेगा, जो हमारा शॉटिंग है उसको है ना माउस का था पकड़ लेना, जब उसमें क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो हमारा जो शॉटिंग था वो इस एरिया में था, हेलो, यस ना, अब हमें कौन सी लाइन पे जाना है, पांचवी, पांचवी लाइन पे जाना है, और पांचवी लाइन मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, जिसमें केवल दो ग्राउंड है, छठवे जाना है, छठवे पे जाना है, तो छठवे पे केवल कितने ग्राउंड है, 3 ग्राउंड है, 1 2 3 4 5 6, अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सातवीं लाइन पे जाए, क्लिक करो उसको, सातवीं लाइन देखो, तो ये हो गई सातवीं, इधर वाले इधर कितने हैं, 3 ग्राउंड है, ये वाली लाइन है ना, ये बराबर। अब इसके नीचे वाली लाइन में बताओ कितने ग्राउंड है, 4 4 4, 1
दो तीन, तीन ही मिलेगा, चार है, चार। कौन कौन सा बताओ, ये वाला है क्या? नहीं ये नहीं है, इसमें थोड़ा नाश हो, ये वाले ये ग्राउंड है, पांच और छोटा है और लास्ट वाला ये वाला बीच में दो है, बीच में दो है, बीच में ये वाला, ये दो शुरू से देखो, शुरू से देखो, एक दो तीन चार पाँच दो ग्राउंड है, एक के बाद दो, देखो चार के बाद दो ग्राउंड है, ये बोल सकते हैं अपन, हेलो चार के बाद दो ग्राउंड है, आओ देखो ये हो गया दो, ये हो गया दो, बराबर दो ग्राउंड है, चलो डन। अगला 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 है ये वाला, ये अब इसमें एक ही ग्राउंड है, इसमें एक ही ग्राउंड, जल्दबाजी में चेक नहीं करना, नहीं तो क्या है? मतलब मतलब ही नहीं है, अगर डाउट है तो फिर से चेक कर लो, जब इतना टाइम दिया है तो पूरा टाइम दे, ठीक है। अगला अगले में एक ही ग्राउंड है, ये वाली लाइन पे ना, एक ही ग्राउंड, तीसरे नंबर पे दो मिले, हेलो हो सकता है हम गलत देख रहे हो, पर अपन फिर से खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत और सही का क्या इसी ने, ये लाइन इस गैप के बाद तीसरे नंबर पे है, हेलो यस सर, यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने नंबर पे ग्राउंड है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, और उसके बाद ग्राउंड नहीं है, एनसी है सर, हेलो मतलब एक ही एनसी है, बाकी ग्राउंड नहीं है, अपन फिर से देख लें, तो तीसरी लाइन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर हम पौधे में पानी नहीं डालेंगे पौधा मर जाएगा, पानी है पैसा, हेलो पौधा है बिजनेस, तो ये मत सोचना कि बैठ जाऊं और हम कोई वो बाबा नहीं है जो हवा में उठाए लोगों को, है ना, हाँ चलो फिर से देखो सब लोग, तो हमारा तीसरे नंबर की लाइन एक ही शॉट बता रहा है, हम उनके हिसाब से आठ नंबर का, हम फिर से देखेंगे, तो पहला गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः, मिला कि नहीं मिला शॉट, जबकि छठवा वहां पर शॉट नहीं होनी चाहिए, अब छठवा गिनो यहां से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, मतलब ये लाइन, अब हमें प्रोटोकॉल देखना है, क्या पता ये लाइन ग्राउंड ही है, हेलो यस सर, कोई हो सकता है माइक वाइक में जा रही हो, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्योंकि हेडफोन में जनरली लाइनें ग्राउंड होती हैं पावर आईसी के साथ में, क्योंकि कॉइलों के साथ में पैरेलल लगी होती है, वो आप हेडफोन के लाइन में सीखोगे, पर आओ अपन इस पर देखें लिखा क्या है, इस पर लिखा है वी आर ई जी, ओहो वी आर ई जी, अब मेरी बात समझना, वी आर ई जी सप्लाई क्या है, अब देखिए S2 का मतलब ये होता है कि बक की सप्लाई है, किसी सप्लाई है, हेलो yes, तो बक की सप्लाईयों में मैंने कल क्या बताया था कि लो जीआर मिल सकता है, yes, अब हमें शॉर्ट पकड़ना है, शॉर्ट होगा तो जीरो जीरो होगा, yes, अगर इस पे हाँ इस पे तीस चालीस रहा तो ये शॉर्ट नहीं है, देखो दिखाओ टच करो, चलो देखो गिनेंगे यहाँ से, पहला पहले हम ग्राउंड का चेक, ग्राउंड पे कितना आ रहा है, जीरो जीरो पॉइंट वन, हेलो इतना ही आना चाहिए हमको, अगर तीस चालीस आया तो वो शॉर्ट नहीं है, चले देखो एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब शॉर्ट नहीं है, ये क्लियर हुआ, ये किस किस को क्लियर है जल्दी बताओ, पक्का यस सर, क्योंकि शॉर्ट होता तो बिल्कुल कंप्लीटली जीरो होता,
ये लो जी आर है, ठीक है। अगर हम इसमें शॉर्ट कलर डाल देंगे तो सीपीयू चला जाएगा, क्योंकि ये किससे लाइन कनेक्टेड है, कॉइल गर्म होगा और जम के और सीपीयू चला जाएगा। जीपीआईओ का नहीं है, बक का है, बक का है, बक जितने भी बक बन रहे हैं उसका है। जीपीआईओ की लाइन कभी भी लो जी आर नहीं होती, वो हमेशा 300 से 800, कितना 300 से 800। अगला जाएंगे तो इस लाइन पे एक ही हमें शॉर्ट मिलना चाहिए, तो हम फिर पावर आईसी लगा देंगे अपना। तो फिर से 1 2 3 4 5 ये शॉर्ट मिला, जलेगा। ये हमारा शॉर्ट था ही, देखो 0-0 आ रहा है। अब हमारा कोई ये भी 33 है, ये भी लो जी आ रहा है, क्लियर है। अब ये भी बीप आ रहा है, 33 ओके, शॉर्ट तो नहीं है ना, डन। अब अभी हमारे बचे सिर्फ 4 लाइनें बची हैं, लास्ट में 3 है, लास्ट में 4 है ना, तो अभी कितने हैं, 2 और 5। तरीका समझ में आ रहा है कि मैं कैसे चेक कर रहा हूँ? हाँ, जल्दी तरीका भी यूज हो रहा है। हमें जी आर लेना नहीं है, जी आर हम कब लेंगे, जब कोई सर्किट नहीं काम कर रहा होगा या डेड होगा ये करके। तो ये है चौथा, तो शुरू में 2 है, यस सर, अब नहीं है, आखिरी में है, आखिरी में 3 है, ये भी है। इसका जी आर देखो, जीरो वोल्ट दिखा रहा है सर, ये तो शॉर्ट दिखाई दे रहा है, मतलब ये लाइन पे तो 0.4 है। तो अगर ये चलो मान लेते हैं 0.4 है, 0.1 नहीं है, तो इस लाइन पे एस नहीं लिखा होना चाहिए। हेलो, एस मतलब बक, अगर एल लिखा हुआ तो एलडीओ, मतलब ये एलडीओ शॉर्ट है। हेलो, पहले इसका नंबर फिर से देख लो, ये था ना, तो इसका नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ से 9 नंबर गिनेंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये। अब ये आगे भी कनेक्टेड है और यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ठीक है, बग है, बट इसको हम दिमाग में लेके चलेंगे, ये बग हम बाहर से भी निकाल सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? लो जी आर है बट एटलीस्ट 0.1 नहीं है, कितने नहीं है, 0.1 नहीं है। देखो ये है पूरा लो जी आर ग्राउंड के साथ, और ये जो है जी आर आ गया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये तो हमारा आखिरी के 3 बचे बस, आखिरी के 3 नहीं, ये 0.4 आ रहा है इस पर, और इस पर भी 0.4 आ रहा है। अच्छा, ये लाइन मैं आपको भूनियों से दिखाना चाहूंगा, जा किधर रही है, सब लोग देखो ध्यान से, ये बोर्नियो ने आप देखो तो इस लाइन पे कोई भी लाइन ही नहीं बनाई है, दिखाई दे रही है यहाँ पर, बस खाली अंदर से क्या किया, कनेक्टेड किया, तो ये बोर्नियो की मिस्टेक है, उसको लाइन खींचनी चाहिए थी ना भाई। अब यहाँ पर बनाया सेंस लाइन नेगेटिव, ये फीडबैक की सप्लाई है, किसकी सप्लाई है, फीडबैक की। अब अभी कैसा करेंगे, अब अपन को इसका डायग्राम चाहिए होगा, और इसके पैड पे जाएंगे, तो ये आप देखो ये है 116 नंबर की लाइन, तो अपन इसका डायग्राम ओपन करेंगे, और पावर आईसी के 116 नंबर के पैड को पढ़ेंगे, क्योंकि डायग्राम के अंदर इसकी सप्लाई बताई नहीं कि कहाँ जा रही है। बोर्नियो में तो कट कर दी है, मतलब थोड़ा सा बोर्नियो ने पूरा सलूशन नहीं मारा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसका डायग्राम खोल लिया, अब स्कीमेटिक ओपन करेंगे, ये इससे भी एक आईसी लगाने से भी हो जाता, पर ये सब सिखाने का तरीका है भाई। हेलो, यस सर, हाँ, कि ऐसे नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं बनेगा ये करके। अब हम इसको कंबाइन करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं, और अब पावर को क्लिक करते हैं, तो देखो पावर को कैसे पढ़ रहा हूँ, जूम करेंगे, अब इसके बक सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो ये सेक्शन से बंधा हुआ है ए बी सी डी, तो ए में खाली इतना है ग्राउंड, तो अब इसके बी में दौड़ेंगे, तो वापस करेंगे, अब बी में
चलो बोलो मेरे साथ, बी में, बी में, जिस भी पावर में बोलो, जिस भी पावर में क्रिस्टल के साथ चालू हो रहा है, क्रिस्टल के साथ चालू हो रहा है, ये कंट्रोल की लाइन है। हाँ, ये पूरा पढ़ाऊंगा मैं, ये पीएस होल्ड रिसेट ये सब कुछ, यहाँ पर आपको ये बग नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, सी जाएंगे, सी आपकी GPIO की लाइन है, GPIO मतलब I2C रिसेट इंटरप्रेट EN सिग्नल, ये जितना भी जो ICO को इनेबल कर रहे हैं और जो कमांड दे रहे हैं वो सब GPIO से है। किससे है? MIPI का लाइन GPIO में नहीं होता, ठीक है। ये S1 हो गया, ये हो गया SMPS सेक्शन, बोलो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, यहाँ मिल गया S, मिल गया ना यहाँ पर। अब हमारा पैड का नंबर क्या था? 116। अब यहाँ पर देखो 116, देखो 115 मिल गया तो 116 भी मिल जाएगा। एक मिनट, ये मिल गया VREG नेगेटिव सप्लाई S5, ये फीडबैक की सप्लाई है। किसकी सप्लाई है? फीडबैक। अब ये देखो, वहां तो बोर्नियो ने वहीं पे खत्म कर दी थी, यहाँ ये हमें दो जगह ले जा रहा है, तो ये हमें CPU पर ले जा रहा है और ये बक कैपेसिटर से कनेक्टेड है। यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 0.8, बोलो 0.8, और यहाँ दो बक से जुड़ा हुआ है। कितने बक से? दो बक, क्योंकि यहाँ पर S5 और S6 को जोड़ा गया है। हेलो, और ये दो बक हैं, और ये बक है आपके APC के। किसके बक के लिए होता है? APC का जो बक होता है, APC के आगे अगर 0 लिखा है और 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि APC तब चालू होता है जब सेट वाइब्रेट हो। तो हमारे को इस बक का कोई सीन नहीं है, हम इस बग पर ध्यान नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हालांकि 0.4 आ रहा है, बहुत लो आ रहा है। यहाँ हम CPU भी रिवॉल्व कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि फीडबैक है। हम क्या करें, अगर हम CPU को उतार देंगे ना तो ये लाइन आपकी OL हो जाएगी। हेलो, क्योंकि ये पूरा की पूरा जो GR है ये CPU से आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? पर अभी हमारा गर्म तो CPU हो नहीं रहा है, क्या गर्म हो रहा है? पावर। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आखिरी की दो लाइन बची है क्या या तीन? तीन, तीन, तीन। तीसरी लाइन बताओ आखिरी की, एक भी वो नहीं है क्या? ग्राउंड नहीं, ग्राउंड नहीं है, आखिरी की दूसरी लाइन, सेकंड लास्ट। एक दो तीन, तीन ही है। कितने हैं? तीन, तीन। तीसरा नंबर पे, छठा नंबर, छठे नंबर, छह नंबर, नौ नंबर, तीन छह नंबर। ये भी है ग्राउंड? नहीं नहीं नहीं, तीन छह नहीं है। आखिरी का सेकंड लास्ट ग्राउंड नहीं, नहीं, नहीं है, पर ये 33 आ रहा है। देखने की जरूरत है क्या इसको? नहीं, क्यों? बक की सप्लाई, बक की सप्लाई, लो जी यार, लो लो, अब तो समझ जाओ। यस सर, आखिरी का चेक करेंगे। ओके, मैं ये दो, ये भी, ये आपस में कनेक्टेड है। लास्ट का क्या सीन है? कितने हैं? छह। तीसरा नंबर, सत्रह नंबर, नौ नंबर और लास्ट गेट। देखो ये ग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, ये ग्राउंड है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी है, नहीं है, नहीं है। इस पे GR कितना आ रहा है? 44। नो GR आ रहा है। ओके लाइन है, ये नहीं है, ये है, ये है, दो छोड़ के, पूरा चलो लास्ट का नहीं है, लास्ट का नहीं है, इसमें तीनों ग्राउंड है, लास्ट में तीनों ग्राउंड है, तीनों ग्राउंड है। और क्या पावर लगाए आप? यस सर। पसीने पसीने हो गए यार। आप
आग पसीने होंगे ना, प्रोजेक्ट हिलेगा। सिगरेट मत पियो, अच्छा हैंड स्किल होगा। सिगरेट पीने वालों के हैंड स्किल कभी अच्छे नहीं होंगे, हिलेगा आप, सेक करेगा। टेंशन में मत लगाओ, लड़के बीवी से मत लगाओ, झगड़ा करके मत लगाओ, नहीं तो यही होगा, रहने दे। हाँ तो ये थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, ऐसे में दिमाग पूरा नहीं चलता, ये बहुत दिमाग वाला काम है। यस सर, सारे पॉइंट पर दिमाग नहीं लगाओगे तो बोर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम आईसी को लगाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट डायरेक्ट आईसी में नहीं लगाते कभी। आपको कल हालांकि एमडी सर पूरा बताएंगे किस तरह से कैसे आईसी लगाना है, कैसे नहीं, मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला, मैं तो एक बार लगा के देख रहा हूँ। हमें पेस्ट भड़ के नहीं लगाना, सिर्फ खाली ऐसा चिपकाना है बस। हम यहाँ पर पेस्ट की जगह पर रोजिंग भी लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं जनरली रोजिंग ही यूज़ करता हूँ, पर पेस्ट यूज़ करता हूँ। अब आईसी को रखेंगे, आईसी का नोज कट पॉइंट देखेंगे कि नोज कट पॉइंट हमारा किधर रोड था। देखो नोज कट पॉइंट सही लगा रहा हो कि नहीं लगा रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है नोज कट पॉइंट? नहीं दिखाई दे रहा। ये लग गई है, फैन कहाँ है? फैन कहाँ है आपको? अरे फैन वो एक एमसी हटाना बुला लो रामदास से, सुनो समझ में आ रहा है? एमसी हटा, हाँ वो तुम्हारे को पूरी क्लास में यूज हो जाएगा। ये वाले फैन को तो बिल्कुल मत लेना कोई भी, है ना? यस सर। इसका आरपीएम बिल्कुल खत्म है, अभी यार एमसी 18 ना भाव तक आवाज जाती है। सर ने वीडियो बनाया उसका, देखना बहुत बहुत बढ़िया तरीके से उसका यूज भी करते हैं सर। 501% नहीं चालू होगा तो साला पोर्ट बनेगा, ऑटो पोर्ट बिल्कुल। किसी ने एक बार लगा के देख लो सर, कैसे लगा के देखिए, ऑटो पोर्ट लेगा एक भी नहीं। एस के आइनिस की एमएमसी है, ले सकता है ऑटो पोर्ट। सैमसंग का होता तो मैं नहीं बोलता कि सैमसंग खराब नहीं होती है, पर माइक्रोन और एसके हाइनेस की एमएमसी बहुत ज़्यादा खराब होती है। ठीक है, हो सकता है। अभी तो अपन डीसी केबल से झंडा देखेंगे क्या है। तुम पहले इसको इसमें लगाओ, मैं देख लूँगा। अच्छा मॉडिफाई किया,
पहले अब हम ये देखेंगे पावर की दबाने से पहले कि इससे हमारे को वोल्टेज फ्लक्चुएट मतलब वोल्टेज ड्राइव हो रहे हैं कि नहीं, नहीं है। तो हमारे को बीबैट पे 4 वोल्टेज आने चाहिए, जितने हमने दिए हैं एटलीस्ट 3.7 आना चाहिए, क्योंकि कैसा है नहीं तो अभी पता चलेगा ये केबल ही सही नहीं है और हम पावर की मार रहे हैं। हम पावर की पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, तो आ रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। और हमारा बीपीएच भी बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? बीपीएच देखो, और बीपीएच इस कंडीशन में उतना ही बनना चाहिए जितना बीबैक है। हेलो यस सर, अगर ऐसा हुआ तो हमारी डीसी टू डीसी एक नंबर है, समझ रहे मेरी बात? पर चार्जिंग आईसी नहीं बोलेंगे, डीसी टू डीसी बोलेंगे, बनना है ना यहाँ पर। यस सर, चार्जर लगाने पर ये बीपीएच बन रहा था 3.1, हेलो, क्योंकि तब वो स्विचिंग कर रहा था। यस सर, अब वो स्विचिंग नहीं कर रहा है। अब हम पावर की दबाएंगे, किसका सेट था भाई? किसका सेट था? समझ में आया? सर, फिर से दिखाओ, नहीं दिखाई दिया ऑन? ऑन दिखाई दिया सर, लोगो आ गया था। किस किस को दिखाई दिया ऑन? लोगो आया था सर, लोगो आया था। पूरा करते हैं ना भाई, कमल भाई नहीं वो पत्ता नहीं गया था। तो दोस्तों जैसे सेकंड लोगो भी आ गया, हेलो। यस सर, ने हमारी क्लास में सर अभी लाइव इस समय सर ने अभी कंपोनेंट की क्लास दी है, ना कि डेड सेक्शन पढ़ा है। नहीं, कंपोनेंट की क्लास, कंपोनेंट की क्लास दी है ना सर, डेड सेक्शन तो भाई सेकंड लोगो आ गया, MIUI पूरा ईमानदारी से बचाओ। और सर ने आपको तो हम सर दूसरे दिन आईसी की पेडलाइन चेक कर रहे हैं। यस सर, और सर के लिए खड़े हो गए ग्रेपिंग करो। yes. सर के लिए खड़े हो गए, क्योंकि सर ने आज तक ये काम नहीं किया। चलो भाई एक बार मेरे को सब लोग बताओ, बैठ जाओ, ये तरीका कैसा लगा ऐसा टेलीकॉम का पढ़ा है ना, क्योंकि जब हम इस सेक्शन में आएंगे तब हमारा और क्लियरेंस हो जाएगा। हेलो, ये मैंने 9th-10th में सीखा था, मेरे टीचर ने मेरे को बोला था कि जब तुम्हारी पहले दिन की क्लास हो ना तो उसको 10 दिन पहले से पढ़ना चालू कर दो, हेलो, एक एक पन्ना, ताकि जिस दिन तुम पहले दिन पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए नया कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। और आज हमने सबसे पहले सुबह 8 बजे आए और हमने सबसे पहले सीपीयू रिवॉल्व किया, हेलो, मैं जानना चाहूंगा परफेक्ट तरीके से किस किस ने रिवॉल्व किया, सबसे हुआ है? यस सर, किसी ऐसे से तो नहीं कि मेरे से नहीं हुआ? हेलो, नहीं सर, हुआ। दूसरा, फिर आपने कॉम्प्रेंट की क्लास में आए जिसमें हमने डायोड को समझा, हेलो, यस सर, हमने देखा कि डायोड पर ऐसा नहीं होता है कि एक और रीडिंग आए और एक और ओएल, कुछ डायोड ऐसे हैं जिसपे दोनों पर ओएल आते हैं, हेलो, और कुछ डायोड ऐसे हैं जिसपे दोनों पर ही रीडिंग आती है, तो उस डायोड को भी हमने चेक करना सीखा, हेलो। अभी इसको कौन कौन चेक करना सीखेगा जल्दी बताओ, मतलब प्रैक्टिकल करेगा? यस सर, और एसएमडी कॉइल, बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, नॉर्मल कॉइल, ब्लैक कॉइल, फ्रीक्वेंसी कॉइल, ये सारी चीजें हमने कब चेक करना सीखे ना? यस सर, कौन कौन सीखेगा अभी चेक करेगा? यस सर, और आउटपुट सही तरीके से लेके जाएंगे। आज हमने 2 सेट बनाए, एक चार्जिंग का भी हमने देखा और एक हमने सॉर्टिंग का कंडीशन समझा। नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी आईसी को उठाएंगे तो बिना जीआर चेक करे लगाएंगे नहीं, कौन कौन जल्दी बताओ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खाना खाओ, नहीं है आपको मजा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, जिंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। कौन कौन काम करने वाला है? थैंक यू वेरी मच। हेलो सर।